औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये चपली कबाब, इंस्टेंट चपली कबाब, जो कि झटपट तैयार होंगे। इनको मैंने होममेड मसालों से नहीं तैयार किया, ये जो ब्रांड के मसाले होते हैं इनसे तैयार किया, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल नहीं चाह रहा काम करने का, झटपट खाने बनाना और झटपट इसे खाना बहुत अच्छा लगा। तो आप भी इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखें, मैंने 3 पाव कीमा लिया है कसाई से, इसमें जो चर्बी है इसकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखवाई है, यानी मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कबाब वगैरह में चर्बी का रेशो जो है वो 1 किलो में कम से कम 1000 ग्राम 1 किलो का होता है, तो उसमें 200 ग्राम चर्बी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने ये 3 पाव कीमा लिया है, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 150 ग्राम चर्बी रखवाई है। ये मैंने एक प्याज ली, इसे ग्रेटर से ग्रेट करके और इसका तमाम पानी मैंने इसमें से निकाल लिया है। ये हरे धनिया मिर्ची हैं, इनको बारीक चॉप किया है, और धनिया, ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। ये है तकरीबन 3 टेबलस्पून मकई का आटा और 4 टेबलस्पून ये बेसन है। तो मैं ये मकई का आटा तो पूरा डालूंगी, लेकिन बेसन मैं इसमें आधा ऐड करूंगी। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम मज़ीद ऐड करेंगे। और एक ये अंडा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मसालों में मैं इसमें, मैंने आपको जैसे बताया ये इंस्टेंट चपली कबाब हैं, तो ये मैंने बाज़ार का किसी भी ब्रांड का मसाला लें, मैंने ब्रांड का नाम नहीं आपको बता रही, ये एक पैकेट मैंने लिया है और उसके अंदर से जितना मसाला निकला मैंने डाला। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को अब मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी। अगर आपको चपली कबाब के मसाले का, यानी जो होममेड मसाला है, उसकी आपको रेसिपी चाहिए तो मैं, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसकी रेसिपी भी दे दूँगी। तो देखिए, मैंने तमाम मसाले को मिक्सअप किया। अच्छा, कुछ टिप्स आपको बताऊँ। एक तो जब आप कीमा लें तो इसको डबल 2 मरतबा निकलवाएं मशीन से, ताकि ये लेसदार हो जाए। ये देखें कितना अच्छा हो गया। और प्याज जो है आप उसका पानी बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ लें, ताकि जो पानी है उसकी वजह से ये कबाब टूटते हैं। उसको बिल्कुल ड्राई करना है ताकि इसका पानी ना रहे, तो ये कबाब हमारे टूटे ना। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो ये देखें, अच्छा इसको हमने बिल्कुल जो है वो गोल मटोल नहीं बनाना है, इसको हमने थोड़ा इस तरीके से बनाना है। तो मैं इस तरह से सारे कबाब बना के आपको रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तमाम कबाब बन के रेडी हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, ये थोड़ा हीट अप हो गया। अब मैं इसको लो फ्लेम पे रखूँगी। इस तरह से ये कबाब लेके हमने इस तरह से रखना है, इस तरह से हम रखेंगे, और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, कि ये एक तरफ से जब मुकम्मल तौर पर सख्त हो जाएं, रेडी हो जाएं, अपनी शेप बरकरार रख लें, तब हमने इनको चेंज करना है। रहीम, तो देखें व्यूअर्स, ये 2 मिनट हो गए तकरीबन, ये एक तरफ से कितने प्यारे हो गए हैं, देखें माशाल्लाह। इनको हम इस तरीके से तमाम कबाबों को इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, अब मैं इनको दूसरी तरफ से भी पका के तो फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें व्यूअर्स, कबाब बन के मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। आप इसको इस तरह बनाएं, ये यकीनन आपको पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये कबाब बन के रेडी हैं, आप इनको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनते हैं।
और मेहनत भी नहीं होती, तो आप इनको बनाएं, यकीनन आपको इंशाल्लाह ये पसंद आएंगे। तो मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए, और एक सब्सक्राइब तो करना बनता है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। तो व्यूवर्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।